आज़ादी मिले इतने दिन हुआ, लेकिन देश आज़ाद नहीं। मेरी नाक में अपने ही गोश्त की सड़ांध है जो तीन शेरों की खुराक बन गए। अब हम केवल कसाई घर में बनी हुई भेड़े हैं, चीखते चिल्लाती कांपती आंखों वाली भेड़े जो इंतजार में है कि कब उनकी बारी आएगी। विनाश का ये उठता तूफान नहीं चाहिए, टुकड़ों में बटा हिंदुस्तान नहीं चाहिए। धूप और छांव का बंटवारा किस लिए, ये जात पात धर्म का है नारा किस लिए। मजहब के नाम पे जो मजहब का खून करे, ऐसा सिख हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए। ऐसा आजाद हिंदुस्तान नहीं चाहिए, ऐसा आजाद हिंदुस्तान नहीं चाहिए। चंद सियासी लोगों ने हमें झंडे सा गाड़ दिया है ताकि हम मुर्दे से उनके इशारे पर सिर्फ और सिर्फ खड़े रह सकें, और हमारे जमीर में जय हिंद ठूंस दिया गया है कि हम खामोश रहते सिर्फ उनके लिए तालियां बजाते। अमन के नाम पर जहां चले गोलियां, आदमी को आदमी से बांटे जहां बोलियां। प्यार मोहब्बत के नाम बदनाम हुए, फूल नहीं रंग गई ईद और होलियां। ऐसे में हमारा दावा जायज और माकूल है, देश को ऐसा हुक्मरान नहीं चाहिए। ऐसा आजाद हिंदुस्तान नहीं चाहिए, ऐसा आजाद हिंदुस्तान नहीं चाहिए। ये देश राख की तरह चुपचाप बिछा हुआ है, पर अब इसके नीचे आग सुलगने लगी है। इस पर कुर्सी रखकर बैठे लोगों, उठो अब ये देश जाग रहा है, उठो अब ये देश जाग रहा है, जाग रहा है। जिंदा ही जलाए जाए यहाँ जहाँ परिजन, अस्मत बचाने वाले लूटे जहाँ यौवन। वही सीधा ये सवाल पूछता हूँ आपसे, कहाँ गया सारा ज्ञान ध्यान और चिंतन। घर में हो आग लगी और आप हादसे के, ऐसे तमाशा इंसान नहीं चाहिए। ऐसा आजाद हिंदुस्तान नहीं चाहिए, ऐसा आजाद हिंदुस्तान नहीं चाहिए। नेता भ्रष्ट है तो हम भी भ्रष्ट। We should stop this blame game. It's time to take some action. Enough is enough. ऐसे नहीं चलता। This is our country. ये मेरा देश है। We should be responsible citizens. जय हिंद।